हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं पोकेमॉन ब्लैक वर्जन। और पोकेमॉन ब्लैक के पिछले एपिसोड में हमने किया था कैस्टेलिया सिटी जिम लीडर से बैटल, मतलब बग से हमने बैटल किया था और हमने अपना तीसरा जिम बैटल जीत लिया था। और हमारे पास आ चुका है हमारा तीसरा बैच, और अभी हमें आगे बढ़ना है। और आज हमें जाना है रूट 4 पर, और वहाँ पर हमारा बियंका से बैटल भी होने वाला है। उसके लिए हम थोड़ी तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि हमें शॉपिंग करनी पड़ेगी पहले। तो देखते हैं भाई हमारे पास सुपर पोशंस और बाकी चीज़ें हैं कि नहीं। ओके, सुपर पोशंस है 10। अभी हम थोड़े से और ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, ये सही रहेगा। और रिवाइव्स भी भाई मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, रिवाइव ले लेते हैं। हाइपर पोशंस की हमें जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमारे पोकेमॉन्स का भी एचपी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अभी ठीक रहेगा। और एंटीडोट तो अभी है हमारे पास, पैरालाइज ही ले लेते हैं हम 5। और अवेकनिंग भी ले लेते हैं यहाँ पर, 4 ले लेते हैं। ओके, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे पास सुपर रिपेल, क्योंकि यार ये बहुत ज़रूरी है। हम जब रूट्स पर जाएंगे और वहाँ पर पोकेमॉन्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी हमें। यहाँ पर हमने शॉपिंग कंप्लीट कर ली, और अभी हम चलते हैं यहाँ से इस सिटी को। आज हमें एग्जिट करना है, इसी जगह चलते हैं। और यहाँ पर भाई लोग काफ़ी बिजी हैं सिटी में, स्टार्टिंग से जब भी हम जब से हम इस सिटी में आए हैं तब से यार लोग बिजी ही दिख रहे हैं हमें। तो वैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में लोग बिजी होते हैं ज़्यादा। ओके, ये जगह थोड़ी खाली है, यहाँ पर बस कुछ ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम चलते हैं यहाँ से, यहाँ पर भाई काफ़ी भीड़ है, यहाँ पर भी लोग काफ़ी बिजी हैं और जल्दी में हैं, सभी लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं सब। ओके, यहाँ पर तो हम आ गए, और ये भाई बियंका भी आ गई, ये हमसे बैटल करने वाली है। इसने कहा था ये थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। हे ब्लेक, यू रिमेंबर द प्रोमिस यू मेड ऑन दैट ट्रांसाइवर राइट? सो लेट्स गेट रेडी टू आवर पोकेमॉन बैटल, बट बिफोर दैट। ओके सर, यहाँ पर ये परमिशन ले रही है इनसे बैटल करने के लिए। पिछली बार हमने हमारे रूम में जब बैटल हुआ था तो भाई काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हो गई थी हमारे रूम की। दे सेड वी कैन हैव पोकेमॉन बैटल इन द गे। ओके, हमें सब पता है, मतलब यहाँ पर तोड़फोड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन द न्यू एंड इम्प्रूव वर्जन ऑफ मी आई एम गोइंग टू गो ग्रेट दिस टाइम, लेट्स स्टार्ट अप आवर पोकेमॉन बैटल अगेन। ओके, तो यहाँ पर हमारा बैटल स्टार्ट होने वाला है, और हो चुका है स्टार्ट हमारा बैटल। पता नहीं हमारा कौन सा बैटल है, मतलब कौन से नंबर का बैटल। हमने अभी तक के काफ़ी सारे बैटल्स किए हैं, और हमारे पोकेमॉन्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं इतने सारे बैटल्स से। और अभी भी हमें बहुत सारे बैटल्स करने हैं इस गेम में। और पहला पोकेमॉन है हेड आया, कि हमारा भाई एक्सक्यूज संभाल लेगा, मतलब हमारा डैन। वही डैन ने यार पिछले जिम बैटल, मतलब जो हमारा जिम बैटल हुआ था पिछली वीडियो में, भाई उसने काफ़ी सारे कमाल कर दिया था। मतलब जिम लीडर के तीन पोकेमॉन्स थे उसके पास, और उसने तीनों को ही हरा दिया अकेले ही, कोई बिना कोई सुपर पोशन लिए और बिना कोई पोकेमॉन चेंज किए। ये पोकेमॉन सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आगे जाकर ये और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। आगे जाकर ये एक नए इवोल्यूशन, एक नया मतलब इवोल्व होगा जब ये, और स्ट्रॉन्ग बनेगा ये पोकेमॉन। सुपर पोशन दे दिया अपने पोकेमॉन्स को, ठीक है भाई। यहाँ पर हम गोल चॉप करते हैं, और डैमेज तो भाई इसने थोड़ा कम ही दिया है अभी तो, कि अब थोड़ा ठीक ठाक हो गया डैमेज। अभी हम यहाँ पर ड्रैगन रेंज करेंगे, और अच्छी बार ये फेंट होना चाहिए। ओके, बस थोड़ा सा रहेगा अभी, ये हो गया ये फेंट, बहुत बढ़िया भाई। हमारे दोस्त हमारे डैन ने काफ़ी कमाल कर दिया दोबारा से। ओके, अगला पोकेमॉन है म्यूना, इसके लिए हम पोकेमॉन चेंज करने वाले हैं, और हमारे चीता को बुलाने वाले हैं। चलो भाई चीता अपना कमाल दिखा, हमारे चीते की स्पीड भाई काफ़ी तेज है, जैसे क्विक क्लो भी होल्ड किया करा रखा है पहले से ही। ओके, यहाँ पर हम करते हैं भाई पहले असिस्ट करके देखते हैं, हो सकता है कोई अच्छा मूव आ जाए, फ्लेम चार्ज टाइप कुछ। ओके भाई देखते हैं, अब क्या ये सरप्राइजिंग मूव होता है, मतलब कोई भी मूव आ जाता है। सीट बॉम्ब, ये काफ़ी अच्छा मूव है, हमारे कोंग को आता है ये, पिछली वीडियो में उसने सीखा था, और काफ़ी अच्छा डैमेज भी दिया इसने। ओके यार, इसलिए तो हम इसलिए तो यार हमारे पोकेमॉन सुलाया, अभी नहीं सुलाया मतलब, पर ये एक अटैक करने के बाद सो जाएगा हमारा पोकेमॉन, हमें तो चेंज कर लेंगे पहले। ओके, यहाँ पर इस पोकेमॉन हरा दिया है म्यूना को, और अभी हमें अपने पोकेमॉन चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब ये सोने वाला है बहुत जल्दी। देखिए सो भी गया, हमारे पोकेमॉन खराटे मारने लग गया। ओके, अगला पोकेमॉन सर्वाइन है, तो हमें अपने फ्लेम को बुलाना चाहिए, क्योंकि फायर टाइप पोकेमॉन है, और सर्वाइन एक नॉर्मल नहीं मतलब वो ग्रास टाइप पोकेमॉन है। तो यहाँ पर हमारा फ्लेम काफ़ी काम आने वाला है, उसके पास फायर टाइप मूव्स भी हैं अच्छे खासे। तो यहाँ पर बियंका का जो सुनाई भी था वो इवोल्व हो चुका है। ओके, लीफ टोर्नेडो, काफ़ी अच्छा ग्रास टाइप मूव है, काफ़ी अच्छा डैमेज दे सकता है, पर हमारे पोकेमॉन नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारा पोकेमॉन जो है फ्लेम वो एक फायर टाइप पोकेमॉन है। यहाँ पर वो अपने फायर टाइप मूव्स भी दिखाने वाला है, फ्लेम चार्ज, और इससे भाई ये काफ़ी अच्छा डैमेज तो आया, पर ये फेंट भी होने वाला थोड़ा सा रहता है, बस अब की बार तो हो जाएगा फेंट। एम्बर करते हैं, तो भाई सुपर पोशन, ये अपने हर पोकेमॉन में सुपर पोशन दे रही है, इससे इसके पोकेमॉन जल्दी फेंट ना हो। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर फ्लेम चार्ज का इस्तेमाल करने वाले हैं, कि अब की बार तो ये फेंट होना चाहिए। और यार ये 1 या 2 HP पर सर्वाइव कर गए हमारे फ्लेम ने, भाई यहाँ पर
अटैक अवॉइड कर दिया सर्वाइन का, और करेगा एम्बर एम्बर या इसने हमारे पोकेमोन के अटैक को अवॉइड कर दिया। ओके ग्रोथ ग्रोथ यार ऐसे मूव्स कौन सिखाता है मेरे पोकेमोन यार, ऐसे कुछ होता भी नहीं। वैसे मैं ऐसे मूव्स बिल्कुल नहीं सिखाया जिन मूव्स की कोई पावर ही ना हो, सिर्फ पावरफुल मूव सिखाने चाहिए अपने पोकेमोन, इससे हमारे पोकेमोन और भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ओके यहाँ पर भाई ये हमारा कोंग का लेवल अप हो चुका है 23 का। ओके पेन पोर आ रहा है तो हमें अपने कोंग को बुलाना चाहिए क्योंकि कोंग एक ग्रास टाइप पोकेमोन है। ओके तो हमारे कोंग बैटल में आ चुका है, बैटल करने वाला है पेम्पोर से। वैसे ये तीनों पोकेमोन एक जैसे ही हैं, एक फायर एक ग्रास टाइप है और एक फायर वोल्ट टाइप है, पेम्पोर वोल्ट टाइप पोकेमोन है। और यहाँ पर भाई हमारी जो सीड बॉम है भाई कितना ज़्यादा पावरफुल है तो दिख ही गया होगा, कितना ज़्यादा डैमेज दिया और 1 hit KO कर दिया। ओके तो बियंगा के सारे पोकेमोन यहाँ पर हार चुके हैं हमारे पोकेमोन से, तो इस बैटल को हम जीत चुके हैं बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। और सबसे बढ़िया बात है हमारा कोई पोकेमोन फेंट भी नहीं हुआ। आई नेवर बी अ स्ट्रॉन्ग ट्रेनर लाइक यू और कैरन और आयरिस, बट यू नो सिंस वी लेफ्ट न्यूवेमर टाउन आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई बीन थिंकिंग अबाउट वॉट आई वॉन्ट टू डू इन लाइफ। वैन यू लुक एट इट डैट वे पोकेमोन हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसिस। Having my Pokemon stolen van was just really hard and I felt really unsure. Still, I got and say I'm really glad I went. I learned so much on this journey and I also learned that being with Pokemon is really really important. Okay, well, I hope to see you again soon. Bye bye Blake. ओके यहाँ से अभी ये कहीं और ट्रेनिंग करने के लिए जाएगी लगता है। अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए अपने अगले स्टॉप के लिए, अगली सिटी में हमें और जिम बैटल करने पड़ेंगे शायद, या फिर नहीं भी पता नहीं अभी अगली सिटी में कोई जिम होगा या नहीं। तो यहाँ पर अभी ये मुझे सामने पोकेबॉल भी दिख रही है। ओ ट्रेनर टेक अ लुक एट द सैंड, डू यू सी हाउ सम एरियाज आर लाइटर एंड सम ऑफ द सैंड लुक्स डार्कर, पोकेमोन आर हाइडिंग इन द डार्क। ओके डार्क सैंड में भाई पोकेमोन्स हैं, अभी के लिए हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, पहले हम यहाँ पर पोकेमोन हेल कराएंगे। और यहाँ पर एक क्रोक भी है, लगता है इसी का होगा, ये हमारे पोकेमोन्स को हेल करने वाला है। ओके हमारे पोकेमोन्स बिल्कुल हेल हो चुके हैं, अभी हम चलते हैं। और आज मुझे एक नया पोकेमोन पकड़ना है, और वो पोकेमोन कौन सा है वो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें मिला है एक्यूरेसी, वैसे इन चीज़ों का मैं ज़्यादा इस्तेमाल तो करता नहीं पर मैं इन्हें बेच जरूर सकता हूँ। और यहाँ पर हमें पोकेमोन मिला है कोई, हो सकता है वही पोकेमोन हो। और यहाँ पर हमें मिल चुका है सैंड डाइल, आखिरकार मैं इस पोकेमोन कब से चाह रहा था कि अपनी मेरी टीम में आई है पोकेमोन, तो अभी आखिरकार ये मुझे मिल चुका है, तो मैं इसे कैच करने वाला हूँ यहाँ पर। और हमारा जो डैन है वो उसकी थोड़ी बहुत हेल्थ मतलब एचपी कम करेगा, और हम यहाँ पर कोई अच्छा सा मूव तो नहीं करने वाले, हम यहाँ पर एश्योरेंस करने वाले हैं क्योंकि ये सेंडाइल है वो डार्क और ग्राउंड टाइप पोकेमोन है। डार्क टाइप पोकेमोन के ऊपर डार्क टाइप मूव्स ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। ओके यहाँ पर अब एश्योरेंस करते हैं दोबारा से, इसकी एचपी हमें ऐसी पॉइंट पर लानी पड़ेगी जहाँ पर हम इसे आराम से कैच कर पाएँ। टोर्मेंट कर रहा है यार, इससे हम अपने दूसरे मूव को नहीं कर सकते, मतलब जिस मूव को पहले कर रहे थे एश्योरेंस को हम नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम दूसरा मूव तो कोई करेंगे नहीं क्योंकि यार ज़्यादा पावरफुल मूव है। बाकी यहाँ पर एक बार पोकेबॉल ट्राई करते हैं, हो सकता है कैच हो जाएगी। ये रही हमारे पास 7 पोकेबॉल्स पड़ी हुई हैं और दूसरी बॉल्स भी हमारे पास कुछ, अगर ये ख़त्म हो गई तो वो काम जरूर आएंगे। हो सकता है यार एक पोकेबॉल में कैच हो जाए, पर यार इसकी एचपी काफ़ी ज़्यादा बची हुई है, अभी देखते हैं, हो सकता है तो कैच। ओके भाई ये थोड़ा सा रहता था बस, ऑलमोस्ट आ ही गया था, पर अभी मुझे लगता है पोकेमोन चेंज करना चाहिए, पर एक बार चेक करते हैं दोबारा से ये मूव कर पाएगा या नहीं। ओके अभी ये मूव नहीं कर सकता, अभी तक टूर्नामेंट का इफेक्ट है। तो यार मैं पोकेमोन से भी नहीं थ्रो करने वाला, पहले मैं पोकेमोन बुलाता हूँ नया वाला, हमारा जो चीता है वो इसे थोड़ा फेंट तो नहीं करेगा, इसकी एचपी थोड़ी कम कर देगा क्योंकि उसके पास भी डार्क टाइप मूव्स हैं, क्योंकि एक डार्क टाइप पोकेमोन है तो डार्क टाइप मूव तो होने चाहिए ही वैसे। और ये सैंड टूम कर रहा है भाई हमारे पोकेमोन के ऊपर, और ये जो सैंड स्ट्रॉम है वो अलग से डैमेज दे रहा है। चलो अच्छा भाई सैंडल को डैमेज नहीं दे रहा वरना प्रॉब्लम हो जाती। ओके हम करते हैं परस्यूट, थोड़ी अच्छा डैमेज देना। ओके भाई ठीक ठाक ही डैमेज दिया इसने, और मुझे लगता है पोकेबॉल थ्रो करनी चाहिए, हो सकता है कैच हो ही जाए इसकी बार, और अगर ज़्यादा मूव करूँगा तो यार ये फेंट हो जाएगा पक्का है, फिर तो फेंट होना इसका। तो यहाँ पर मैं कोई मूव नहीं करने वाला और एक नई दोबारा से पोकेबॉल फेंकने वाला हूँ। क्या भाई पोकेबॉल एक बार हमारा पोकेमोन बस कैच हो जाएगी, काम हो जाएगा हमारा। ओके बस थोड़ा रहता है ये, हो जाए बस कैच। ओके ये हो चुका है कैच, फाइनली हमने आखिरकार सैंडल को कैच कर लिया यहाँ पर।
हमारी टीम में एक और नया पोकेमोन आ चुका है, डार्क और ग्राउंड टाइप पोकेमोन है ये। और मैं ऐसे कोई भी निकनेम नहीं देने वाला क्योंकि इसका सैंडल नाम ही ठीक है। उससे पहले थोड़ा बहुत पोकेमोन जाकर हील कराते हैं, हमारे पोकेमोन्स की जो एचपी है वो कम हो चुकी है और यहाँ पर ट्रेनर बैटल्स भी होने वाले हैं हमारे, तो यार अपने पोकेमोन्स हील करा कर रखना पड़ेगा हमें। ओके, हमारे पोकेमोन्स हील हो चुके हैं पूरी तरह से, तो अभी चलते हैं आगे जगह थोड़ा एक्सप्लोर करने। उससे पहले पोकेमोन स्विच कर लेते हैं हमारे। ओके, कोंग से भाई एक्सपीरियंस हीयर लेना पड़ेगा क्योंकि इसे अभी मिरेकल सीड दे देते हैं, और हमें एक्सपीरियंस हीयर अभी सैंडल को देना चाहिए क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हमें करानी है अभी अच्छी तरह से। ओके, यहाँ पर एक्सपीरियंस हीयर है ये रहा, इसे हम अपने सैंडल को होल्ड करा देते हैं और टाइम पुल को करते हैं आगे क्योंकि यार इसकी ट्रेनिंग करानी है, इसकी लेवल काफ़ी कम है टीम में अभी। वैसे सबसे ज़्यादा कम तो सैंडल का है पर उसकी ट्रेनिंग होती रहेगी। तो यहाँ से अभी चलते हैं और सबसे पहली चीज़ जो कि हमें करनी है वो है रिपेल। यहाँ पर अपना पोकेमोन्स मिलते रहेंगे हमें और कितने सारे सैंडल मिल जाएंगे अभी हमें पता नहीं। और ये भाई रिपेल कहाँ चला गया, सुपर रिपेल। ओके, ये ऊपर ही तो था सुपर रिपेल, मैं गलती से नीचे आ गया था। ये रहा, ये नहीं, ये स्मोक कोल है। ओके, हमने रिपेल कर लिया है और अभी चलते हैं आगे इस जगह को एक्सप्लोर करने। और यहाँ पर भाई ये लोग फिशिंग करने लगता है। हाँ, फिशर मैन सी है ये, और यार इनसे बैटल करना नहीं चाहता मैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा अच्छे पोकेमोन नहीं होते और ये ज़्यादा अच्छा लेवल भी नहीं देते। और यहाँ पर हमें मिल रही है एक पोकेबॉल जो कि है ग्रेट बॉल। ओके, पोकेबॉल के अंदर ग्रेट बॉल रखी हुई थी। ओके, ये ट्रेनर बैटल कंप्लीट हुआ और यहाँ पर हम देखते हैं भाई ये बड़े बड़े घर बने हुए हैं, यहाँ पर कोई रहता नहीं लगता है यहाँ पर। यहाँ प्लैंक्स भी पड़े हुए हैं काफ़ी टूटे हुए। टायर्ड वर्कर्स शुड हेड टू द प्रीफैब हाउस ऑफ हाउस बाय कैस्टेलिया सिटी। शायद वो कैस्टेलिया सिटी जा चुके हैं यहाँ से। एक और बैटल, चल भाई बैटल करते हैं। ओके, बैटल खत्म हो चुका है और यहाँ पर इसने मेरे पोकेमोन फेंट भी कर दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हील कर लूँ। पर यार मैं हील पीछे करा के आता हूँ, तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, मैंने पोकेमोन हील करा दिया है और अभी हम चलते हैं जगह को एक्सप्लोर करने। पर उससे पहले हम रिपेल कर लेते हैं, सुपर रिपेल्स बहुत ज़रूरी चीज़ है होगी कई यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ इसे रजिस्टर कर लूँ, इससे ही हमें एकदम से मिल जाएगा। यहाँ पर हम बैग आइटम्स पर एकदम से जा सकते हैं। और इस जगह को थोड़ा यहाँ पर मैं भूल गया था, एक पोकेबॉल रखी हुई है, इसे देख लेते हैं। हाइपर पोशन मिला है यहाँ पर। ओके, अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं। वैसे इस जगह को एक्सप्लोर हमने कर लिया था और यहाँ पर भाई हम ब्राउजिंग मशीन को थोड़ा ऑन करके रखते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ छुपे हुए चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखी होंगी। मिल गई हमें अल्ट्रा बॉल। ओके, यहाँ पर हमें पोकेबॉल्स मिली है थोड़ी बहुत, जैसे पिछली बार ग्रेट बॉल मिली थी और अभी हमें मिली है अल्ट्रा बॉल। और यहाँ इस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं आगे की साइड। ये यहाँ पर कुछ मतलब कुछ रखा हुआ आइटम रखा हुआ है, शायद ऊपर की साइड है वो, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक ट्रेनर भी खड़ा हुआ है। यहाँ पर इस तरफ कुछ है शायद, यहाँ पर ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे ही है वो, ये इस तरफ है शायद। यहाँ मिल गया, यहाँ पर ओके, यहीं पर है वो, ये रहा बर्न हिल। चलो ठीक है, कुछ तो मिला। ओके, यहाँ पर भी कुछ शायद से बता रहा है, ये इधर भी कुछ रखा हुआ है। ओके, यहाँ पर है वो और ये मिला हमें एथर। वैसे ये थोड़ा थोड़ी काम की चीज़ है। और यहाँ पर हम रिपेल भी कर लेते हैं साथ साथ ही। ये रहा रिपेल। ओके, हमने रिपेल कर लिया है और हमारे 9 रिपेल्स बचे हुए हैं बस। और यहाँ पर भाई ये एक ट्रेनर, इससे बैटल करना पड़ेगा। ओके, बैटल कंप्लीट हुआ और यहाँ पर एक फुटबॉल रखी हुई है। और ये सैंडस्टॉर्म बड़ी देर चल रहा है यार, पता नहीं ख़त्म कब होगा। लगता है रूट 4 पर सैंडस्टॉर्म ही चलते रहते हैं। और टोरमेंट मिला है हमें, टोरमेंट यार ये इतना अच्छा मूव तो है नहीं, पर फिर भी रख लेते हैं अभी के लिए, हो सकता है हम इसे सेल कर दे बाद में, हमें कुछ अच्छे खासे पैसे मिल जाए। और इस जगह को हमने पूरी तरह एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा। अभी हमें आगे जो रोड दिख रही थी वो रूट 4 पर,
वहीं पर जाना होगा और यहाँ वहीं से हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं है, कोई ट्रेनर भी नहीं बचा अब तो हमने इस जगह पूरी तरह एक्सप्लोर कर लिया है, मतलब यहाँ पर अब कुछ नहीं है। अभी हम उस जगह वापस चलते हैं और पोकेमॉन हील कराते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे हमारे जर्नी पर। ये रही वो जगह, और वैसे ही यहाँ बैठा हुआ कर क्या रहा है, पोकेमॉन हील करने का काम ही लगता है इसका बस। ओके तो हमारे पोकेमॉन हील हो चुके हैं। वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, आगे की भी जो जर्नी है उसे अगली वीडियो में कंटिन्यू करें। वैसे आज हमने एक नया पोकेमॉन पकड़ा सैंडाइल, और अब आपने इस वीडियो को अपने लाइक नहीं कर लाइक कर दीजिएगा और हमारी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ पोकेमॉन गेम से आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।